यस आई थिंक कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं, इनफैक्ट मैं अभी भी फेस करता हूँ अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो, बड़े शहरों में जाओ, बिग सिटीज़ में जाओ, बॉम्बे में मैं रहता हूँ, तो मुझे फील होता है कि हाँ मतलब यू नो, एक अगर आप, और अगर आप सही कुछ काम करने लग जाएं तो एक ये सिटी किड्स वर्सेस अरे मतलब ये बिहार से आया है और क्या कूल बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। हालांकि ज़्यादा दुख तब होता है जब बिहारी पीठ पीछे आपकी काट रहे होते हैं, जो कि काफ़ी काफ़ी अक्सर होता है। मेरा नाम अरुणाभ है, मेरी पैदाइश मुजफ्फरपुर की है, 5वीं 6ठी कक्षा तक मुजफ्फरपुर में पढ़ा। उसके बाद जैसा कि अक्सर बिहारी स्टूडेंट्स के साथ होता है, आप अच्छी पढ़ाई के लिए निकल जाते हैं पूरे देश खोज में, लेकिन 10-12 स्कूल चेंज करना पड़ा। और उसके बाद फिर कोटा गया, जयपुर से 10th किया, कोटा से 12th 13th IIT की तैयारी करने के लिए, और उसके बाद फिर IIT खड़गपुर। 5 ऐसी चीज़ें जो आपको बिहार के बारे में पसंद हैं। यार आई थिंक 5 चीज़ें बहुत कम है, सही बात है, मतलब मुझे 5 चीज़ों से बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आई थिंक 5 चीज़ें जो मुझे काफ़ी पसंद है, एक तो ठेकुआ, दूसरा मधुबनी पेंटिंग, तीसरा मुझे यहाँ के दोस्त, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के जो लोग यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए, और जिस तरह का कल्चर और जिस तरह की ह्यूमिलिटी होती है उनमें और जिस तरह से मेहनत करते हैं वो, आई थिंक वो जो एक DNA है वो मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि आई थिंक एक निश्चय काफ़ी, आई थिंक वो जो एक रेजोल्यूशन होता है वो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ की। और छठ, और 5 ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि बिहार में इम्प्रूव होनी चाहिए। तो आई थिंक यार नीड्स टू इम्प्रूव की भी लिस्ट सिर्फ 5 नहीं है, वो भी काफ़ी बड़ी है, जैसे कि जो जो चीज़ें मुझे बिहार के बारे में पसंद है वैसे वो लिस्ट भरी है, वैसे ये लिस्ट भी काफ़ी बड़ी है। बट मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, हमारा राज्य काफ़ी मामलों में काफ़ी पीछे है, इकोनॉमिक इंडेक्स पे देखें तो शायद आई थिंक इट्स द लास्ट स्टेट इन द कंट्री। मुझे लगता है कि पोटेंशियल बहुत है, और पिछले 10 साल में इनफैक्ट हमने काफ़ी काम किया है, हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है, बट रोड्स हैं जो हम इम्प्रूव किया है, बट हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बिहार, यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो हम बहुत आगे थे इतिहास में, एजुकेशन में। अब फ़िलहाल हम काफ़ी कहीं ना कहीं कुछ किसी चीज़ों की वजह से, हालात की वजह से पीछे चले गए हैं, वहाँ हमें बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है जनरल एटिकेट, आई थिंक हम लोगों को अपने आप को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम अपने अपने स्वयं पे और ख़ुद पे काम नहीं कर रहे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि हर बिहारी को अप खुद को सुधारने और ख़ुद को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। आप जब बिहार से बाहर गए थे तो क्या आपको भी बिहार और बिहारियों के लिए कोई स्टीरियोटाइप फेस करना पड़ा? एक स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट तो करता है यार, बट मेरा टेक स्टीरियोटाइप्स पे ही बहुत डिफरेंट है। मैं मानता हूँ कि यार स्टीरियोटाइप इज़ नथिंग बट एन आउटकम ऑफ एक हिस्ट्री में, एक स्टैट्स के हिसाब से लोगों ने कुछ 100 साल के बेसिस पे आपके बारे में कुछ सोचते हैं, वो गलत या सही नहीं है, बस वो एक इंसान का देखने का नज़रिया होता है। जिसको हम स्टीरियोटाइप बोल रहे हैं उसको लोग अगर इंडिविजुअल पे देखें तो वो रेपुटेशन बन जाता है, जिसको अगर हम किसी स्पोर्ट्स स्टार पे देखें तो उसका परफॉर्मेंस बन जाता है, तो आई थिंक वो वही चीज़ है। यस आई थिंक कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं, इनफैक्ट मैं अभी भी फेस करता हूँ अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो, बड़े शहरों में जाओ, बिग सिटीज़ में जाओ, बॉम्बे में मैं रहता हूँ, तो मुझे फील होता है कि हाँ मतलब यू नो, एक अगर आप, और अगर आप सही कुछ काम करने लग जाएं तो एक ये सिटी किड्स वर्सेस अरे मतलब ये बिहार से आया है और क्या कूल बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। हालांकि ज़्यादा दुख तब होता है जब बिहारी पीठ पीछे आपकी काट रहे होते हैं, जो कि काफ़ी काफ़ी अक्सर होता है, तो वो भी एक स्टीरियोटाइप है कि मतलब जो है सो अगर बट मुझे लगता है कि वो चीज़ें अब धीरे धीरे धूमिल हो रही हैं, और मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये स्टीरियोटाइप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं सो टाइम के साथ और वीक और कम होती जाएंगी, और जितने अमेजिंग लोग हैं बिहार से जो निकल रहे हैं और अमेजिंग काम कर रहे हैं तो शायद उससे फ़र्क पड़े। बट आई थिंक वो असली में तभी चेंज होगा जब बिहार एज अ स्टेट खुद चेंज हो जाएगा, तो आई थिंक बिहारियों का जो स्टीरियोटाइप जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी अपने आप चेंज हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं बाहर जाते ही और बाहर जाकर अपनी आइडेंटिटी को छिपाने की कोशिश करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं भी करते हैं, तो जो लोग करते हैं ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि हाँ एक
मुझे लगता है कि इस चीज़ इस ये क्वेश्चन अपने आप में एक हम सबको खुद पूछने की क्वेश्चन है कि अगर कुछ लोग करते हैं तो क्यों करते हैं और हमें ऐसा क्यों लगता है। तो अगर वो शर्म है तो उस शर्म के पीछे जो रीज़न है उस रीज़न को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम पिछड़े हुए हैं, हमें लगता है कि हम बाकी राज्यों के करीब के कंपैरिजन में उतने आगे नहीं हैं, तो हमें अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। और एट द सेम टाइम बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, आई थिंक बहुत सारे हैं, जैसे नीतू चंद्रा हो गई, जैसे नीलोत्पल जी हो गए, जैसे मयंक शेखर हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, और बहुत उदय सर हो गए, तो ये सब लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ग्लोबल लेवल पे, और दे ऑल आर वेरी फाइन विद इट। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स थिंग, बट यस, इफ देर इज सम मे बी वी शुड ट्राई टू। क्या मुजफ्फरपुर में रहते हुए आपने कभी सोचा था कि TBF जैसी बड़ी कंपनी को आप लीड करोगे? हाँ, मतलब ऐसी चीज़ें सोचना तो मुश्किल होती है, कुछ करने का मन था हमेशा से। इनफैक्ट मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला प्ले मुजफ्फरपुर में ही किया था, केंद्रीय विद्यालय में, तो इच्छा तो हमेशा रहती थी कि कुछ इस फील्ड में करना है। बट हाँ, लेकिन करते करते कुछ ऐसा हो जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा और इस तरह की रेवोल्यूशनरी चीज़ हो जाएगी जैसे TBF टचवुड हुआ और अभी भी है, वो कभी अंदाज़ा नहीं था। बट आई थिंक हाँ, बट कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में रहने का और वहाँ की अपब्रिंगिंग का बहुत फ़ायदा तो हुआ। TBF के अलावा आप कई और प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत कर रहे हो, जैसे कि इंडस वर्स, इसके बारे में कुछ बताइए। तो इंडस वर्स यार कॉमिक्स है, कॉमिक बुक्स हैं, जो हमेशा से मेरा मन था। मैं राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, इन सब का बड़ा फ़ैन हूँ, मेरा मन था। और मैं बिहार में जब मुजफ्फरपुर में रहता था तो एंटरटेनमेंट के लिए किताबें पढ़ता था, तो आई थिंक वो एक छोटा सा चाइल्डहुड ड्रीम कह लो आप, तो वो सपना मैंने पूरा किया है। इंडस वर्स इज़ इंडियाज फर्स्ट बिंज रीड ग्राफिक नॉवल, कॉमिक बुक्स हैं, indusverse.com पे जाइए, ऑर्डर करिए, पढ़िए, आपको मज़ा आएगा। काफ़ी हमारे आज के यंगस्टर्स के ऊपर बेस्ड है, और साथ में मैं करियर काउंसलिंग और करियर वर्कशॉप कभी कभी करता रहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डायरेक्शन नहीं पता होते कि क्या करना चाहिए, सो दैट इज़ समथिंग दैट आई कीप डूइंग। आप बिहार से कितना जुड़े हुए हो, आप यहाँ के साहित्य से कितना जुड़े हुए हो, या फिर आप बिहार कितना फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो? तो यार बिहार छठ पे तो मैं हमेशा आता हूँ, तो छठ रिमेन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हर बार घर आता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ। यहाँ का खाना भी बहुत पसंद है, ठेकुआ पसंद है, यहाँ का मटन बहुत पॉपुलर माना जाता है, और मुझे यहाँ के गाने छठ के गाने भी बहुत पसंद हैं। मुझे शारदा सिन्हा जो हैं उनके गीत बहुत पसंद आते हैं, मैथिली है अभी, वो बिहार की हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कवर वर्जन भी किया था हमारे एक सॉन्ग का, ट्रिपलिंग में गाना था हाफिज़ उसका। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार जो मैं टच में रहता हूँ यहाँ के कल्चरल चीज़ों से, जो यहाँ की फिल्में बन रही हैं अभी, भोजपुरी सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, वो रीमिक्स होकर के लोग फिल्मों में और पार्टीज़ में बजाते हैं, तो आई थिंक उसको लेकर के मुझे लगता है। सो आई थिंक मधुबनी पेंटिंग्स अगेन, बिकॉज ऑफ माई ग्राफिक नॉवल में बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका, और बहुत पॉपुलर हो सकता है, ऑलरेडी है भी, और बट और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं यार जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं, और यहाँ का जो लिटरेचर है, विद्यापति की कहानियाँ, और वो सारी चीज़ें भी मुझे बहुत पसंद है। बट मैं होप करता हूँ कि मैं थोड़ा और जानूँ, पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ नई चीज़ें नहीं पता करी है मैंने बिहारी संस्कृति के बारे में, लेकिन और जानना चाहूँगा। बट आई एम श्योर देयर इज़ लॉट्स मोर टू डिस्कवर, एंड आई होप आई डिस्कवर देम एज वेल एज द वर्ल्ड डज टू। क्योंकि आप डिजिटल फील्ड से हो, बिहार का जो फिल्मी बैकग्राउंड है, जो फिल्मी कल्चर है, थोड़ा सा कहते हैं कि वो फूहर की तरफ ज़्यादा बेंडेड है, इस पर आपका क्या कहना है? आई थिंक उसमें हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है यार, उसमें कुछ दलील देने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर कुछ लोगों को लगता है फूहर है, तो हमें सोचना चाहिए क्यों फूहर है, और हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू गो अबाउट इट। कहीं ना कहीं लोग लेस सीरियसली नहीं लेते हैं, तो अगेन मतलब आई थिंक हमें खुद को सीरियसली लेना चाहिए, हमें अपने स्टेट को सीरियसली लेना चाहिए, जैसे ही हम वो करेंगे तो लोग भी हमें सीरियसली लेने लग जाएंगे। क्या आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उसमें आपने बिहार के लिए कुछ सोचा है? आई थिंक हम लोगों ने सोचा है कुछ कहानियाँ यार, अभी मैं कुछ खास नहीं बता सकता, बट हाँ आई थिंक कपल ऑफ फिल्म, कपल ऑफ शोज़
जो मैं सोच रहा हूँ, पर्सनली भी जो मैं सोच रहा हूँ और TVF भी जो सोच रहे हैं, इंडस वर्स की कुछ कहानियाँ उससे रिलेटेड होंगी, तो वो ज़रूर है। इच्छा है कि बिहार की कहानियों को और कहें और प्रचलित करें। बिहार का जो युवा है वो आजकल डिजिटल मीडिया की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यही मैसेज है यार कि आई थिंक स्वयं शुद्धि इज परम शुद्धि। मुझे लगता है कि इतने सारे आपने सवाल भी किए तो दूसरों को समझाने के बदले कि अरे बिहार क्यों अच्छा है, क्यों कूल है, इसके बदले अगर हम खुद अपने आप को अच्छा और कूल बनाने में लग जाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरी यहाँ के यंग लोगों से यही गुजारिश है कि यार शहर साफ़ रखते हैं, गुमती पे क्रॉस करते समय राइट लेन में जाके खड़े नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर हम खुद डिसाइड कर लें तो वी कैन गवर्न आवरसेल्व्स वेरी वेल इन दिस स्टेट एंड वी कैन रियली मेक अ वी कैन बी प्राउड ऑफ इट। सो लेट्स डू दैट, लेट्स वर्क फॉर मेकिंग बिहार प्राउड।